कुछ क्वेश्चन हैं ये पूछ रहे हैं कि सर इफ़ आई चूज हिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट एम आई एलिजिबल फॉर TGT? नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो, आप PGT के लिए एलिजिबल हो। बहुत बार ये बात हो चुकी है, उसके लिए PGT आपको MA हिस्ट्री करनी पड़ी, उसके बाद हो गए। बिकॉज आफ्टर BEd आई वॉन्ट टू डू MA हिस्ट्री। हाँ, तो TGT के लिए नहीं, PGT के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब आप 11वीं और 12वीं को पढ़ा सकते हो, आप 6वीं से 10वीं को नहीं पढ़ा सकते। इससे उसको आपको पढ़ाने के लिए SST, पेडागोजी ऑफ SST करना पड़ेगा। एंड आई नो आफ्टर PGT एग्ज़ाम BEd हिस्ट्री इज़ कंपल्सरी, एंड आई नो दैट फॉर PGT एग्ज़ाम BEd हिस्ट्री इज़ कंपल्सरी। ये हो गया। नेक्स्ट है कोई और इम्पोर्टेंट, DMC की स्कैंड कॉपी कहाँ अपलोड करनी है? मैंने अलग से वीडियो बना दिया, होम पेज पर जाना है, होम पर क्लिक करना है, वहाँ आ जाएगा। लेफ्ट साइड पर जो डॉक्यूमेंट है स्कैन करने हैं ना, तो वहाँ पर आप जाके नीचे होगा चूज डॉक्यूमेंट कुछ करके, है ना, उसको क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पर आपकी स्कैन कॉपी पड़ी है, वो कर लेनी है। देयर इज़ ओनली कॉलेज टू कॉलेज माइग्रेशन। आपने चूज़ गलत किया है, आपने इंटर यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं किया, दैट इज़ वाई रॉन्ग। सर हम GNDU से करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे, नहीं वो जाके ही आपको लेना पड़ेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट की कोई ऑप्शन बीच में नहीं है, फिर भी पता कर दूंगा। आप जाने से पहले एक बार पूछ भी सकते हो, 8427458843, 8427458843। हाय सर, PTU का भी बना दो। हाँ, मुझे एक रोल नंबर चाहिए, अगर कोई शेयर कर सकता है तो वो मुझे बताए, मैं बना दूंगा PTU का। मेरे पास अभी रोल नंबर कोई नहीं है, रजिस्ट्रेशन GNDU की थी तो वो मैंने कर दिया, वो भी कर दूंगा। अगर आप कोई कर सकते हो शेयर PTU का तो कर देना, बाकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखूँगा, स्क्रीन कवर कर दूंगा। सर गवर्नमेंट कॉलेज विचों फीस डिपॉजिट करवाती बाद फीस वापस हो सकती है जेकर एडमिशन ना लेनी होवे, प्रोसेस होवे हर कितियों विद इन पीरियड ऑफ, जल्दी वाले पीरियड होता है एडमिशन हुई है उसके दिन कितने हैं मुझे याद नहीं, शायद 1 मंथ ही होता है। आप रिफंड करवा सकते हो, UGC के नियम भी हैं, मैं वो भी कोशिश करूँगा शेयर करते हैं। हाँ, 1000 या 2000 वो काटते हैं, वो कटने दो। अगर नहीं करते तो आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हो। सर प्लीज़ एक वीडियो BEd के लिए जॉब डॉक्यूमेंट, अच्छा वो बनाई हुए हैं जो इसी सारे बनाए हुए हैं, फिर मैं बना दूंगा। चलो फिर सर प्लीज़ रिप्लाई, मुझे क्वेश्चन नहीं पता यहाँ पर कौन सा था आपका, सॉरी। सर मेरी डिग्री विच कोर्स नेम गलत लिखा है, डिग्री मिलनू 2 साल होने वाले ने, तो हूँ डिग्री विच करेक्शन करवा सकती हाँ या नहीं? पंजाबी बिल्कुल करवा सकते हो, प्रोसीजर है, थोड़ी फीस लगेगी। मैं वो एग्जैक्ट मैनू फ़ोन कर लियो, मैं फ़ोन पिछे दस्या है, तुहानू दस दाँगा जे वीडियो बन सकिया उस ते वीडियो बना दाँगा, वो फीस लगती है, हो सकती है। वैसे जदों साढ़े DMC आते ने, गल नू याद रखो, उस ते 10 दिन दे विच विच जे तुसी अपनी करैक्शन देख, DMC इमीडिएट देखो जे करैक्शन होने वाली है ते ओ इमीडिएट करवाओ, ओ फ्री च हुंदी है और यूनिवर्सिटी जिम्मेवारी है। जे लेट हुंदे हो फिर तुहानू फीस इस तरह 200 साल लेट है ना, इस तरह करनी पैंदी है। सर मेरा फर्स्ट काउंसलिंग विच नेम आ गया है, बट कुछ रीज़न करके मैं एडमिशन नहीं लैनी, मैंने वापस पहला शिफ्टिंग फीस पे करनी पवेगी, एडमिशन नहीं लैनी। तुसी दूजे च जाना चाहते हो सैकेंड काउंसलिंग लई, जेकर मैं कॉलेज, हाँ बिल्कुल शिफ्टिंग विच जा सकते हो, शिफ्टिंग फीस 1000 जानी है, बिल्कुल कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, वही प्रोसेस सैकेंड काउंसलिंग वाला ही रहना। सर एडिशनल पेपर वाले फॉर्म कदे फिल होंगे तो इंप्रूव कदों पूछा है, किड़े फिल होंगे एडिशनल वाले चल रहे हैं ऑनलाइन, किड़ी यूनिवर्सिटी तुम्हें दसना पेगा? पंजाबी यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ऑनलाइन होंगे ने। वैसे इधर पंजाब यूनिवर्सिटी की भी अलग तो वीडियो पाई हुई है, इंप्रूवमेंट वाले ही फॉर्म, नहीं इंप्रूवमेंट वाले नहीं, वो वक्रे हो गए, बिल्कुल वक्रे हो गए। सर जे सैकेंड काउंसलिंग ज़्यादा कॉलेज अलाउ करता विच ज़्यादा, इन पता लगा कि कह रहे हैं करता, तो सर फिर असी कॉलेज चेंज करवा सकते हैं। सैकेंड काउंसलिंग तुसी बिल्कुल ज़्यादा कॉलेज नहीं समझ आया, जिहड़ा कॉलेज अलाउ करता तो असी, मैं जवाब ये दे रहा हाँ कि जे तुहानू सैकेंड काउंसलिंग विच मिलिया जे कॉलेज वो तुसी चेंज करना चाहते हो तो फिर थर्ड काउंसलिंग विच कर सकते हो। पहले वाली जिहड़ी है वो रिपोर्टिंग फिर ना करो, उदों मैं गाइड कर देंगा, तुसी थर्ड काउंसलिंग की वेट करनी पेगी। जे रिस्क लगे तो एडमिशन लै लो, थोड़ी फीस दे के रिफंड कराउण दा थोड़ा औखे हो गए, हो जाती है रिफंड। ओके
थर्ड काउंसलिंग मिल सकती है, थोड़ा उत्तर है। सर ये कुछ नहीं है सर, प्लीज़ रिप्लाई सर। कॉलेज फीस भी दस दो। फरीदकोट दी आई है, एक बच्चे ने 37,000 दस्या है और एक बच्चे ने दस्या है 39,000 to 40,000। ठीक है, सो मेरे ख्याल च 37,000 to 40,000 के विचकार तुसी फरीदकोट की फीस, वह बाकी दे जलंधर के बिल्कुल बराबर है उसने मनाने हैं जो है। गुड आफ्टरनून सर, गवर्नमेंट कॉलेज विच फीस डिपॉजिट करवाने तो बाद फीस वाह। हाँ जी हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है सर जी। सर जी कॉलेज अलॉट ना किया हो पर एंट्रेंस टेस्ट क्लीयर हो सैकेंड काउंसलिंग विच कोई सीट अलॉट हो जाएगी प्लीज़? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। हाँ ओए होए क्या बात है। सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉलेज अलॉटेड थर्ड प्रेफरेंस बट रिपोर्टेड। हाँ आप शिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करो, शिफ्टिंग में जा सकते हो आप। सर प्लीज़ सेकेंड काउंसलिंग का फॉर्म किमें भरना है दस दो। मैं दस दे चुका हाँ। सर जी असं दो एडिशनल एग्जाम भर सकते हाँ, पंजाबी सकते हाँ, मेरे ख्याल पंजाबी एंड सोशियोलॉजी तो कलैश हो सकते हैं। देखो कलैश की प्रोबेबिलिटी तो वधेगी, ये जरूरी है, दो भर सकते हो, हिम्मत है, पढ़न का टाइम एनर्जी है तो जरूर भर सकते हो, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो मैनेज कर सकते हो जरूर भर सकते हो। कलैश की तो जिम्मेवारी यह है कि जो कलैश कर ये नहीं आपस कलैश करेंगे, बी एड ना कलैश कर सकते हैं, बी एड वाला छड़ देना है। असी सल्यूशन दिता से उदो भी